चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम फिर बात करने वाले हैं एक और नए तरह के फ्रॉड के बारे में। दोस्तों वैसे तो ये चैनल ही मेरा इस फ्रॉड और स्कैम से रिलेटेड वीडियो जब के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पर अब आपको बहुत सारे APS और बैंकिंग से संबंधित नॉलेज भी और बिना समझ नॉलेज भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आज का फ्रॉड का जो विषय है वह है कि आप किसी भी तरह की कोई भी अगर आप गवर्नमेंटेड सब्सिडी या फिर किसी तरह की सुविधा लेने के लिए कोई भी फॉर्म आवेदन करते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन आवेदन करते हैं जो जिसका डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी सब डिस्ट्रिक्ट तहसील ब्लॉक या फिर किसी भी स्तर पर आपको जमा करने पड़ सकते हैं या फिर पड़ते होंगे और जहाँ से निम्नवत रूप में या फिर किसी भी और माध्यम से या फिर बिचौलियों के माध्यम से या फिर ऑनलाइन तरीके से किसी भी तरह आपकी डिटेल को निकाल लिया जा रहा है। जिस प्रकार की अगर आप KCC लोन लेना चाहते हैं, अगर आपने फाइल बैंक में सबमिट की है, आपके नाम ने फॉर्म भरा गया है, आपकी डिटेल किसी भी प्रकार से फ्रॉड या फिर स्कैम करने वाले लोगों के पास पहुंच जाती है, या फिर अगर आपने PM किसान के लिए आवेदन किया है या फिर आपने कन्या विवाह अनुदान के लिए आवेदन किया है या फिर आप किसी भी तरह के ऑनलाइन जहाँ के आपको गवर्नमेंट से पैसा पाना हो या फिर किसी तरह का आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, सुखा राहत हो या फिर डिलीवरी के लिए जो आपका अमाउंट मिलता है 3,000, 6,000, 5,000 जो भी आपका अमाउंट मिलता है, किसी भी तरह का सरकारी अनुदान अगर आप लेते हैं या फिर पेंशन हो, आप एक समझ लीजिए कि किसी भी माध्यम का हो और आपका डाटा बीच से लीक करके और आपको पूरा विधिवत आपको कॉल किया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार आपके नाम पता एड्रेस और आपके एड्रेस प्रूफ आधार नंबर पैन कार्ड नंबर या फिर ऐसी बहुत सारी डिटेल आपके समझ प्रस्तुत की जाएंगी जिससे आपको यह महसूस हो कि जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो जो भी फला व्यक्ति आपको जिस भी जगह या फिर जिस भी ब्लॉक अधिकारी या फिर जो भी अधिकारी बता रहा है वो सही में आपसे वही व्यक्ति बात कर रहा है। और जब तक आप ये समझ पाते हैं कि आपके साथ फ्रॉड होने का सिलसिला शुरू हो चुका होता है तब तक आपके साथ फ्रॉड कुछ स्तर पहुंच जाता है और ये फ्रॉड करने वाले बहुत ही नॉर्मल तरीके से और ऐसा बिहेव करेंगे कि जैसे कि आपको कुछ पता ही ना हो, आपको लगेगा कि हम तहसीलदार, लेखपाल, DM या फिर किसी भी ऐसे अधिकारी से बात कर रहे हैं जो कि हमारा भला चाहता है या फिर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है जो कि हमारे लाभ की बात करने वाला है, लेकिन हकीकत यह है कि वो आपके लाभ की नहीं, वो अपने ही लाभ के बारे में बात करने वाला है और आपका होगा सिर्फ और सिर्फ नुकसान। क्योंकि अगर उसने आपको 5 मिनट या फिर 10 मिनट आपको समय देके और आपसे डायरेक्ट जानकारी ले रहा है, पूछ रहा है, तो आपसे जानकारी लेने से पहले उसका फर्स्ट और पहला प्रायोरिटी जो होगी वो आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएगा और वो आपसे कुछ इस प्रकार से बोलेगा कि हाँ मैम, अगर आपने आवास के लिए आवेदन किया है तो आप कुछ इस तरह बात करेगा कि मैं आपको DM आवास या फिर किसी आपके लोकल जो ब्लॉक है या फिर तहसील से मैं बात कर रहा हूँ, आपने ये फॉर्म आवेदन के लिए यहाँ पे मतलब आपने आवास के लिए आवेदन किए थे, आपका नाम कुछ इस प्रकार है, आपका ग्राम यह है, आपका गली मोहल्ला और आपका पिन कोड नंबर यह है, आपने यह मोबाइल नंबर यहाँ पे सबमिट की है जो कि आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको कॉल किया गया है कि जो ये सुविधा या फिर जो ये सुविधा जानकारी आपको या फिर जो अमाउंट आपको दिया जा रहा है यह सीधे ग्राहक या फिर जो इसका लाभान्वित है उसको भी ये पैसा भेजा जा रहा है ये कंफर्म करना है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान आपसे एक नेक्स्ट स्टेप भी किया जाएगा, ये सारी जानकारी लेने के बाद आपको अगला स्टेप ये होगा कि आपका पैसा आपके खाते में तुरंत चला जाता है लेकिन आपके अकाउंट में कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि आपने KYC नहीं कराई है या फिर आपने बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया या फिर आपने आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया या फिर आप बैंक पे विजिट नहीं करते हैं, ऐसी समस्याओं का बात बताकर ऐसी समस्याओं से आपको जोड़ के और आपको बताया जाएगा कि आपका पैसा इस वजह से रुका हुआ है तो आपको इसके लिए कुछ 5,500 या फिर 5,400 रुपये इसका आपको अमाउंट भेजना पड़ेगा जो कि हम यहीं से सही कर देंगे, तो आपका वो आवास वाला पैसा या नरेगा वाला पैसा या डिलीवरी वाला पैसा या भी किसी तरह का पैसा आपको सबमिट कर दिया जाएगा। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका हो गया कि अगर किसी तरह का आप कोई फोन पे गूगल पे चलाते हैं तो आपको आपके नंबर को अपने फोन पे में ऐड किया जाएगा और देखा जाएगा कि यह व्यक्ति प्रोफाइल ऐड किया है फोन पे गूगल पे या किसी भी UPI पेमेंट पे, उसको रजिस्टर करके देखेंगे तो आपका अमाउंट मतलब आपका नाम शो कर देगा कि हाँ फला व्यक्ति यह मतलब फोन पे गूगल पे या फिर किसी भी UPI तरह से पेमेंट का इस्तेमाल करता है। फिर आपको कॉल किया जाएगा जिसमें आपका अकाउंट वेरिफिकेशन पूछा जाएगा या फिर आपको KYC का हवाला दिया जाएगा या फिर किसी भी माध्यम से आपको गलत जानकारी देकर या फिर आपके बारे में कुछ डिटेल बताकर जिससे आपको उन पर यकीन हो सके कि हाँ फला व्यक्ति हमारे लाभ की या फिर हमारे फायदे की बात करेगा और हमारा ATM या फिर हमारा अकाउंट अपडेट कर रहा है या फिर अकाउंट कर रहा है या फिर OTP की डिमांड करेगा। मतलब आप जितनी तरह से फ्रॉड से बचना चाहेंगे वो हर बार एक नया फ्रॉड तरीका को लेके आ रहे हैं जिसमें नया जरिया, इसके पहले भी मेरे चैनल पर 500 फ्रॉड से रिलेटेड वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और आप समय रहते अपने आप को सतर्क कर सकते हैं और समय रहते आप दूसरों को भी सावधान करके और उनके अंदर भी जागरूकता फैला सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है और मेरे इस चैनल का ही यही मकसद है कि मैं आपके अंदर सतर्कता और सावधानियां बरतने की वो क्षमता जागृत कर सकूँ जो आपको
जब आपके पास जानकारी होगी, नॉलेज होगी, और आप जानकारी के अभाव में कभी भी आप फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। अगर ऐसा करना चाहते हैं आप, तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मुझसे जुड़े रहना पड़ेगा, ताकि आपको जब भी कोई लेटेस्ट ऐसा कोई फ्रॉड ऐसे तरीके सामने आएंगे तो मैं इसको आपको पहले से अवगत करा दूंगा, ताकि वो फ्रॉड आप तक पहुंचने और आपके पास होने से पहले आप उसके लिए अवेयर हो जाएं और आप सावधान हो जाएं। तो दोस्तों, आपको इस पूरी वीडियो का सारांश मैं एक लाइन में ही बताना चाहूंगा कि जब भी आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है जिसको आपको लगता है कि पहले ऐसी तरीके नहीं हो रहे थे, या फिर कोई इस तरीके से आपसे बात नहीं करता, या फिर डीएम या फिर आवाज से या फिर तहसीलदार आपको डायरेक्ट फोन नहीं करता है, आपको जो भी सुविधा देनी होती है आपके यहाँ, अगर उसको वाकई में सर्वे करना होगा तो आपके घर पे विजिट करेगा, वो आपको फोन कॉल पे या फिर नहीं बुलाएगा कि मैं अधिकारी बोल रहा हूँ और आपका डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई काम नहीं किया था। गवर्नमेंट जब भी कोई भी चीज पे प्रत्यक्ष रूप में उस पर प्रमाण लेना चाहती है तो वो आपके यहाँ विजिट करते हैं, वो आपके आवास की बात हो, डिलीवरी वाली बात हो, या फिर किसी भी तरह का सरकारी लाभ आपको लेने की बात होती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय खुद रखती है और आपके पास विजिट करती है। इसके लिए ही आपको कहीं जाने की या फिर ऑनलाइन किसी को अमाउंट भेजने की जरूरत नहीं होती है, और जब भी ऐसा कुछ काम हो तो आप वहां पे विजिट करके ही कोई काम करें। जब भी आपको डाउट हो कि कोई जो प्रक्रिया से आपको गुजरने के लिए कहा जा रहा है, ऐसी प्रक्रिया आपने कभी सुनी ना हो, देखी ना हो, या फिर उसकी जानकारी ना हो, तो आप उस पर फॉलो करने से पहले एक बार जो भी महाशय हो, जो आपको अपने आपको अधिकारी बता रहे हो, आप जो भी बता रहे हो, आप उनसे मिलने की भावना जाहिर करें कि जो भी आप बात मुझे कह रहे हैं या फिर बता रहे हैं, मैं आपसे मिलकर ही इस बात पर आगे बात करूंगा, या फिर जो भी पैसा लगेगा मैं आपको मिलकर ही इसको देना चाहूंगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं, एक मात्र एक ही तरीका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने आपको फ्रॉड से बचने की कुछ जानकारी और किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में मैंने कुछ बताने की कोशिश की है, और ये वीडियो और जो मेरी बातें हैं आप तक पहुंच चुकी हों या फिर आपको समझ आई हो। अगर किसी तरह का डाउट्स आपके मन में रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है।